एंड आई नो दीज आर टफ टाइम्स मैन, मतलब पूरी जनता यू एलन वॉकर बन के घूम रही है. आई जस्ट फेल्ट लाइक यू ना कुछ स्टोरीज आज आपसे साझा करी जाए, कुछ कहानियां. सो गाइज एवं गाइजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुंह को धोया जा चुका है, बालों को सजाने की कोशिश करी जा चुकी है, शर्टों को बदला जा चुका है और प्रोडक्शन क्वालिटी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, नेक्स्ट लेवल. एंड आई नो दीज आर टफ टाइम्स मैन, मतलब पूरी जनता यू एलन वॉकर बन के घूम रही है. आई जस्ट फेल्ट लाइक यू ना कुछ स्टोरीज आज आपसे साझा करी जाए, कुछ कहानियां. Now you must be thinking कि ये क्या ये बंदा fuck anyway, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा प्रीच करे जा रहा है, ज्ञान बांटे जा रहा है. बट द थिंग, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा यार, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू. एक्चुअली ये जो बातें हैं मैं वैसे भी ये खुद से करता था. आई जस्ट फेल्ट लाइक बातों को फैलाया जाए, जस्ट स्प्रेड इट लाइक कोरोना, जस्ट एवरीवेयर स्प्रेड. तो आते हैं अपने स्टोरी पे. यू नो वो जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत रोंदू होते हैं, मतलब हर बात पे टें 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 करते रहते हैं, वो बच्चे, उनकी बात करो. जो मतलब क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं तो मतलब रोंदू हर बात पे, नहीं मैं तो आउट नहीं था, ये तो आउट नहीं था, मतलब हर बार उनका मतलब यही रहता. और वो बच्चा था मैं. और वो बच्चा अब इसमें था क्यों, गया ये भूतकाल क्यों हो चुका है, इसकी वजह मैं आपको भी बताना चाहता हूँ. इसके पीछे एक स्टोरी और मेरी एनालॉजी है, और वो दोनों का जो मिश्रण है, कनेक्शन जो है, कनेक्शन वो बनाता है इस पूरे लेसन को. तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है. ये बात है मेरी बुआ की शादी की. तो हम सब ऊपर वाले कमरे में ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है, एंड गाने बज रहे थे. एंड मी बीइंग मी आई वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस कि अभी ये गाना बजाओ, अभी ये गाना बजाओ, ये गाना बेकार है, ये गाना अच्छा है, ये प्ले कर दो, वो प्ले कर दो. This cousin of mine, he came and he told me this one thing which I'll never forget in my entire life. And I quote, कि अमृत जिंदगी में हमेशा फरमाइशी गाने नहीं बजते. I repeat, अमृत जिंदगी में हमेशा फरमाइशी गाने नहीं बजते. And that blew my mind. To give you some perspective, उस time IPL स्टार्ट हुआ था, उस दिन IPL का पहला मैच था जब ब्रेंडन मैकेलम ने लेनी देनी कर दी थी RCB की, और आज का दिन है और आज तक मुझे वो बात याद है. और उस पर मैंने एक और एनालॉजी लगाई कि जो जिंदगी है ना, ये YouTube और Netflix नहीं है कि जो मर्जी आया वो देख लिया, आधे में बंद कर दिया, शुरू कर दिया. ना, लाइफ इज रेडियो. सो अनलाइक Netflix एंड YouTube, लाइफ में क्या होता है ना, रेडियो की तरह गाने बजते हैं और आपको वो गाने सुनने पड़ते हैं. अब आपको लग रहा हो कि ये तो पागल है क्या, मतलब कि मतलब गाने सुनते रहो और झेलते रहो लाइफ को. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं ये कह रहा हूँ कि वाइल यू आर हसलिंग, जब तक वो गाने आप सुन रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तब तक खुश रहो और कोशिश करो. कोशिश करने की एनालॉजी देता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, जब रेडियो में गाने बज रहे हैं आप उसको एंजॉय करो और साथ ही साथ कॉल लगाते रहो, रेडियो स्टेशन में कॉल लगाते रहो कि नहीं मेरा गाना बजना चाहिए. एक दिन Just play my song one day. Just keep trying, keep doing it, and trust me, एक दिन आपका गाना बजेगा. You know what? एक ये famous saying है ना, it's not about a destination but the journey. जितना मर्जी एक क्लिशे लगे, but ये बात बिल्कुल सत्य है. Of course, मुझे पसंद है कि आप लोग वीडियो देखो और इसको लाइक करो और कमेंट करो और कर देना भी. But more than that, I really enjoy the process of doing it. मतलब इसके पीछे तो बैक स्टोरी होती है, और जो मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ आइडियाज, और जो पूरा क्रिएट करना, दिस होल प्रोसेस, आई रियली लव इट. तो मुझे ऑफकोर्स, इवन आई एम स्टार्टिंग आउट, तो थिंक इज दैट दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, बट आपको भी इंस्पिरेशन दे रहा हूँ और मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ. सो द थिंग इज दैट अगर आप खुद इंजॉय करोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब प्रोसेस इंजॉय करोगे ना दोस्त, तब जीत में भी स्वाद आएगा. और एक्चुअली जीत भूल जाओगे, बट उस जर्नी को विल नेवर फॉरगेट. राइट, अब थोड़ा ज्यादा संदीप महेश्वरी नहीं करते हुए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे. द थिंग इज दैट कॉल करते रहो, जस्ट कॉल करते रहो, बट इन द मेन टाइम एंजॉय भी करना, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, जस्ट टू शॉर्ट. देख रहे हैं आकाशवाणी 106.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अगले गाने की फरमाइश की है अमृत ने. उस गीत के बोल हैं ही हंस दे ले रिंकिया के पापा.
हॉस्टेल ही हॉस्टेल रिंकी।